नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। एक सप्ताह तक चलने वाले भागवत कथा का हुआ समापन। जनपद उन्नाव के बनवारी लाल आश्रम में एक सप्ताह तक चलने वाली भागवत कथा अपने रोमांचक दौर में पहुंच गई। कथा के अंतिम दिवस भस्मासुर राक्षस के वध का मासिक वर्णन कथावाचक गुड़िया के द्वारा किया गया। रात और दिन की कथा में प्रेषित कलाकारों के द्वारा विभिन्न विभिन्न लीलाओं का मंचन भी किया जाता है। अंतिम दिवस संध्या बेला पर मशहूर कलाकारों के द्वारा सिर के ऊपर आग जलाकर चाय बनाने का कर्तव्य दिखाया गया, जिससे दर्शक दीर्घा कौतूहल पूर्वक लीला का मंचन देकर करतल ध्वनियों से पंडाल गूंज उठा। वहीं कथा आयोजक आश्रम के बाबा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इसी माह भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिससे आस पड़ोस के जनपद के कई श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुड़िया शास्त्री। अच्छा शास्त्री जी, ये कार्यक्रम कब से आप कर रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल कहाँ कहाँ कार्यक्रम किया है? दूर दूर का है। कौन है आपके गुरु? अरविंद। तो यहाँ कब से कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ 9 दिन हो गए। इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद जाएंगे, इसके बाद में कार्यक्रम लगा है। आज कौन सी कथा है? आज भस्मासुर की कथा है। भस्मासुर की जी। आपकी टीम में और कौन कौन लोग हैं? रंजीत है, शिवकरण है। इनका क्या रोल है? क्या रोल है इनका? जो रंजीत है वो मतलब मालिक है। बाबा, एक कार्यक्रम जो हो रहा है कितने दिनों से चल रहा है? 29 तारीख। कितने दिन हो गए हैं? 9 दिन। अच्छा, क्या ये हर साल होता है? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी जगह है? बनवारी आश्रम। किस जगह लगता है, कौन सा स्थान है? या कवली।